कॉल में पाक श्रीलंका पहले टेस्ट का मैदान सज गया। मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। शाहीन शाफरीदी की एक साल बाद टेस्ट टीम में वापसी। विकेटों की सेंचुरी कर ली। श्रीलंका की पहली विकेट 6 रन पर गिरी। सरफराज अहमद ने कैच किया। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कंडीशंस चैलेंजिंग है, मैच जीतने की कोशिश करेंगे। 2 मैचेस की सीरीज आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपए फी लीटर कमी की जा रही है। पेट्रोल है इसमें 9 रुपए फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपए फी लीटर किया जा रहा है। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल फी लीटर 253.50 रुपए का हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने बताया गुज़श्ता 15 दिनों में रुपए की कदर में बेहतरी आई। PDL की मद में कोई तब्दीली नहीं करे। IMF मौदे के तहत 1 जुलाई को पेट्रोलियम लेवी लगा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की हल्की बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रहने की पेशगोई। पाकपतन, उकाड़ा, मियां चुन्नू, चोनिया समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। आज इस्लामाबाद, KP, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। दरियाए सतलुज में बहावल नगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा जारी। चक चावेका के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद आबादियां और फसलें जेरियां। 5,000 से ज्यादा लोगों को इंतजामिया ने महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। हवेली लखा के करीब दरियाए सतलुज हेड सलेमानकी में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाकपतन के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह तेजी से बुलंद। दरिया की पट्टी के साथ आबाद हजारों एकड़ जरई रकबा और कई आबादियां जेरियां। फौज, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सैलाब जदगान की इमदाद के लिए तैयार। सैलाब के मुमकिन खतरे के पेश नजर बहावल नगर, चिश्तिया, सुलेमानकी में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। दरियाए सतलुज के बहाव के मुमकिन असरात के पेश नजर बहावलपुर कोर के फौजी दस्ते मौजूद। ताखीर नहीं करेंगे, आम इंतखाबात वक्त पर होंगे। असेंबली की मुद्दत 12 और 13 अगस्त की रात खत्म होने पर निगरा सेटअप आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी का इत्तेफाक। आसिफ जरदारी अहम मुशावरत के लिए लाहौर में शहबाज शरीफ की रिहायशगाह गए। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात, निगरा सेटअप और सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी की तजवीज पर वज़ीर आज़म ने दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। आसिफ जरदारी ने IMF से इमदादी पैकेज के लिए वज़ीर आज़म के कलीदी किरदार को सराहा। बोले, पिछली हुकूमत की बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर है, इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। सूबा चला कौन रहा है? जब CM नजर नहीं आते, गवर्नर साहब क्योंकि एक्टिव हैं, तो लोग समझते शायद वो सूबा चला रहा है। वो कहते मैं भी बस हूँ। चीफ सेक्रेटरी कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद वजीर आजम सूबा चला रहे होंगे। वजीर आजम साहब के साथ भी मीटिंग्स में उन्होंने रिजर्वेशन का ही बताया। आज तक उस रिजर्वेशन का वजीर आजम साहब कुछ हल नहीं निकाल सकते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसकी है, सूबा कौन चला रहा है? ANP और नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सवाल उठा दिया। निगरा वजीर आला के बजाय गवर्नर ज्यादा मुतहरिक है। गवर्नर आईनी ओहदे पर सियासत कर रहे हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। बोले, पहली निगरान हुकूमत है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग भर्तियां हो रही हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने गवर्नर पर एतराजात को इलेक्शन स्टंट करार दिया। कहा, इंतखाबात से पहले बयानियां बनाने और तगड़ा मौकिफ अपनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मर्दम शुमारी पर MQM सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। अमेरिका से ताल्लुक बहाल करने के लिए दिन रात एक किए पिछली हुकूमत ने ताल्लुकात पर कारी जर्ब लगाई थी।
IMF معاہدوں کے خلاف ورزی کر کے مشکلات بڑھائی گئیں۔ $5 ارب وقت پر نہ ملتے تو پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا تھا۔ قرض منظوری نہیں، ڈیفالٹ سے بچنا کامیاب ہے۔ وزیر اعظم کا لاہور چیمبر آف کامرس کے ارکان سے خطاب، کہا ڈی جی IMF سے بات ہوئی، انہیں یقین دلایا کہ معاہدے کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ بولے بجلی کی قیمت میں بدقسمتی سے اضافہ کرنا پڑ رہا ہے، یہ صرف IMF کا مطالبہ نہیں بجلی چوری بھی بڑی وجہ ہے، تاجروں کے مسائل کا حل اولین ترجیح ہے۔ گاڑیوں کے ہاتھ میں معیشت جرم ہے، اقتصادی ڈھانچہ برباد کرنے والا مجرم کس منہ سے لیکچر دے رہا ہے؟ پاکستان کی تباہی کی داستان لکھی جائے گی تو اس کا نام سر فہرست ہوگا۔ وزیر اعظم کے خطاب پر پی ٹی آئی کا رد عمل، بیان میں کہا گیا اس مجرم کی ناک کے نیچے گاڑیاں بنانے والے کارخانے بند ہوئے، تیل کی تجارت کرنے والی کمپنیاں شیئرز بیچ رہی ہیں، 15 ماہ میں درآمدات کا جنازہ نکال دیا، ملک میں لوڈ شیڈنگ، اس جھوٹے شخص کے دعووں کی نفی ہے، اس مجرم اور حواریوں کا یوم حساب قریب ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مسلط کرنے والوں کا ایجنڈا پاکستان کی تباہی تھا، نواز شریف کو سازش کے تحت ہٹایا گیا تھا، ایک ماہ میں اسمبلیاں تحلیل اور الیکشن کا اعلان ہو جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب، چار مہینے بعد بلاول بھٹو وزیر اعظم بن رہے ہیں، پھر سب کچھ اچھا ہوگا۔ اکانومسٹ والے خود لکھیں گے کراچی سے زیادہ بہتر شہر کوئی نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، کراچی دنیا کا 5واں بدترین شہر قرار دینے کی رپورٹ ماننے سے انکار کر دیا۔ مراد علی شاہ کو عالمی ادارے کی رپورٹ سے سازش کی بو آنے لگی، کہا کراچی کو بدنام کر کے پہلے بھی صنعتیں منتقل کی گئیں، اب جب کراچی ترقی کر رہا ہے تو پھر بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پرویز الہی کی رہائی ایک بار پھر ممکن نہ ہوئی، بینکنگ کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی روکار جاری ہوئے۔ وکلا بھی پرویز الہی کو لینے کیمپ جیل گئے لیکن رہائی نہ ملی۔ پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا بھی امکان تھا، پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر ایم پی او قوانین کے تحت گرفتاری کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بجلی کی قیمتیں بڑھا کر عوام کی جیبوں پر 500 ارب کا ڈاکہ ڈالا گیا، حکمران قرض خود ہڑپ کرتے ہیں، ادائیگی عوام کو کرنا پڑتی ہے، حکومت IMF معاہدہ قوم کے سامنے لائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، بولے پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچز کیے، اب خاموشی ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے خواتین کو بااختیار بنانا ہوگا، خواتین کو بنیادی فیصلے لینے کی آزادی ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا سپریم کورٹ میں آبادی اور وسائل میں توازن سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا خواتین کے بنیادی حقوق سے متعلق پالیسی سے حکومتیں بخوبی آگاہ ہیں، سندھ اور KP میں قانون سازی بھی ہو چکی، اب مسئلہ متعلقہ حکومتوں کی جانب سے پالیسیز اور قوانین کے نفاذ کا ہے، حکومتیں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کریں تو عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ سارے سرکار میں مداخلت، گوجرانوالا کی عدالت نے لیگی رہنما عطا تارڑ پر فرد جرم عائد کر دی، وزیر اعظم کے امام نخصوصی کا صحت جرم سے انکار، عطا تارڑ نے مستقل حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی۔ آزاد کشمیر کے ضمنی الیکشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کارکنان میں جھگڑے کے دوران عطا تارڑ پر بھی مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ضلع بہاول نگر کی حدود میں چک چاویکا کے مقام پر حفاظتی بند ٹوٹ گیا، سیلاب سے دریائی پٹی پر آباد بستیاں اور فصلیں زیر آب، 5000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی پانی سے ریسکیو 1122 نے 151 افراد کو نکالا۔ کراچی کے اعلی پولیس افسران گٹکے اور ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث، تین سرعام نے کراچی کے 3 DSPs کی رشوت خوری بے نقاب کر دی۔ DSPs SP غلام پرور قرآن کے واسطے دے کر جان چھڑانے کی کوشش کرتا رہا، DSP جعفر بلوچ کی رشوت خوری سے بھی پردہ اٹھایا،
इसे डीआईजी नासिर आफ्ताब ने रस्मी कार्रवाई के बाद बहाल कर दिया। डीएसपी स्टील टाउन नजर ने भी रिश्वत वसूल की। कराची में सोराब गोट के करीब हंगामा आरई करने वाले के मरकजी मुलजिम राणा बलोच गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने गुजश्ता साल सुपर हाईवे पर साथियों के साथ मिलकर हंगामा आरई की, यूनिवर्सिटी की बस जलाई, मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। मुकदमा दर्ज होने पर अफगानिस्तान फरार हो गया। लाहौर पुलिस को भाई न मिला तो बहन को ही हवालात में डाल दिया। 15 साल की मेहरुन्निसा को बगैर खातून पुलिस अहलकार के रात 1 बजे थाने लाया गया। इलाके से एसएचओ का तस्दीक आमेज रवैया, मेहरुन्निसा को नामालूम मुलजिमान में शामिल कर दिया। जौहर टाउन पुलिस को मेहरुन्निसा का भाई अब्दुल कादिर पुलिस पर हमले के इल्जाम में मतलूब है। स्टेट बैंक की साख को इस्लाम के मुताबिक करना पड़ेगा। अमरीका डॉलर देता है इसलिए हुक्मरान गुलाम है। कौम IMF और दीगर की मजम्मत के बजाय कमजोरियों का एतराफ करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कराची में जमात इस्लामी के तहत सेमिनार से खिताब। कहा इस्लामी बैंकिंग के लिए अलग से इस्लामी अदालतें बनानी चाहिए। हमें तनकीद के साथ अपने दायरा कार में सूद के खिलाफ काम करना चाहिए। आर्मी चीफ के बाद वजीर दिफा ने भी अफगान हुकूमत को खबरदार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने अपने ट्वीट में लिखा, 30-40 साल से लाखों अफगानों की मेहमान नवाजी के बरक्स अफगानिस्तान में पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों को पनाह मिल रही है। अफगानिस्तान पड़ोसी मुल्क होने का हक अदा कर रहा है, न दोहा मुहाइदे की पासदारी की। बलोचिस्तान अमन का गहवारा, जमाली ऑडिटोरियम कोयटा में बलोचिस्तान के हवाले से तकरीब। सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं, उल्मा, वकला, सहाफियों और अस्करियत का रास्ता तक करने वाले बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शंबे की भी शिरकत। सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना था, बातचीत और मुफाहमत ही बलोचिस्तान के अमन का वाहिद रास्ता है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कोई शिद्दत पसंद रियासत से जीत नहीं सकता। जिया लांगू का कहना था, बातचीत के ख्वाहिशमंदों को हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। ज़हूर बुलेदी बोले, सियासी जमातों और तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गुलजार इमाम शंबे ने कहा, हम सबको बलोचिस्तान की खुशहाली के लिए काम करना चाहिए। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट 8 से 0 में शुरू होगा। मैच के 5वें रोज बारिश की पेशगोई, ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। सीरीज के लिए खिलाड़ियों का फोटोशूट भी हो गया। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं गोल में कंडीशंस चैलेंजिंग होती हैं लेकिन मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और पाक पतन में बड़े सगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर के उर्स का 3रा दिन। जायरीन की आमद का सिलसिला जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।